सो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पोर्ट केयर प्लस। मैं हूं पुष्पिंदर सिंह। आज का जो टॉपिक है हमारा गर्मी के ऊपर है। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनका इन्वायरमेंट सिक्योर हो जाए, मगर फिर भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम बात करेंगे गर्मी के ऊपर, क्योंकि हमारे देश का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब आप थर्मल मैपिंग ऑन करते हो, आपको पता चलता है कि हीट इतनी ज़्यादा है कि येलो से वो रेड हो चुका है। आज इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं साधना जी, जो कि इसके विषय में काफ़ी अच्छी स्टडी रखती हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज रखती हैं। साधना जी, आपसे सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आपका समय दिया। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जी देश में गर्मी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों माना जा रहा है? यहाँ पर जहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, जहाँ पर आपसी तनाव बहुत ज़्यादा है, देश के अंदर ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी देश में गर्मी को इतना महत्व दिया जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी बताया जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पुट किया है, लेकिन इसकी दो साइड्स हैं। जैसे कि अगर हम गर्मी को खुद से रिलेट करके देखेंगे या फिर इंडिया के लेवल पे देखेंगे, खुद से रिलेट करके देखेंगे तो कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर कम है। कई लोग जो है वो ज्यादा फैसिलिटीज में रहते हैं, कई सड़कों पे काम कर रहे हैं। और अगर हम इसको इंडिया के लेवल पे रिलेट करके देखें, तब हमें पता चलता है कि जो 75% हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। हमारे जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे जिसमें फार्मर्स रहते हैं, लेबर्स हैं और स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जब हम इनका डाटा निकाल के देखते हैं तो इनका जो काम करने का सीधा फायदा हमारी जीडीपी को होता है। और गर्मी जब ज्यादा पड़ती है तब ये कम काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो दोपहर को होता है। ओब्वियसली, हाँ सही। हाँ, तो दोपहर को काम करेंगे गर्मी में, थकान होगी जिससे काम कम होगा और इसकी वजह से हमारी जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, तो ज्यादातर जो है, मतलब बाकी सभी प्रॉब्लम से ये जो गर्मी का प्रॉब्लम है ये ज्यादा, मतलब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे कि सर्दी है, उसका भी सलूशन है, क्योंकि जब सर्दियां रहती है हम अपने आप को ढक सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, अपने घर को इंसुलेशन में रख सकते हैं या फिर आग जला के हम सेक सकते हैं। लेकिन गर्मी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इसका कोई प्लान नहीं है जी और इसका कोई ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं है अभी जी तक। जी इसका ही एक सवाल मैं आपसे करूंगा इसी से रिलेटेड, इतना ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ कैसे रही है? हमारा देश जहाँ पर पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है, फिर भी गर्मी को बढ़ा हुआ माना जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कोई सिंगल फैक्टर तो वर्क नहीं करता है, इसमें तीन चार फैक्टर्स हैं जो बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि पहला है, जो इंडिया के लोग हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना पसंद करते हैं, जिसमें वो वेस्टर्न स्टाइल्स में कांच की आउटर फिटिंग करवाते करवाते हैं। हैं। हाँ सही है। गर्मियों में जब एक तरफ जो है वो सूरज जो है वो हमें 40 डिग्री का हीट जो है वो दे रहा दे होता रहा है होता है ऑलरेडी ना। ऑलरेडी, और जब हम कांच की आउटर फिटिंग करवाते हैं तो उसकी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट कांच से पड़ के रिफ्लेक्ट होकर फिर हमें पड़ती है, तो उससे हमें डबल इफेक्ट पड़ता है। हाँ मतलब जो 40 डिग्री है, 40 डिग्री की धूप हमें सहनी पड़ रही है, वो हमें मतलब 55 उससे ज्यादा ही हमें सहना पड़ता है धूप। तो मतलब कि ये जो वेस्टर्न स्टाइल है ना, ये हमारा खुद का तो है नहीं, ये भी मतलब बाहर से हमने कॉपी किया हुआ है। ये पता नहीं क्यों इंडिया को कॉपी करने की बीमारी लगी हुई है। जैसे कि वैलेंटाइन डे को ही देख लो, जैसे हमारा यूथ है ना, इसका फायदा देखते हैं ना नुकसान, लेकिन सेलिब्रेट करते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर कॉपी करना ही है तो सिंगापुर जैसी कंट्रीज को करो, जिनका जो टेम्परेचर है वो हमारे ही टेम्परेचर के इक्वलाइज है, इक्वल है, क्योंकि वहां पे जो बिल्डिंग्स बनाई होती हैं उन्होंने वो ऐसे मतलब कि नेचर के इक्वलाइज करके बनाई होती है, जैसे गार्डन, फिर गार्डन, देन उन्होंने बिल्डिंग बनाई होती है। तो उनको कॉपी करके अगर हम मतलब कि बिल्डिंग्स बनाएंगे तो शायद हम
जो गर्मी को है वो थोड़ा कम कर सकते। और सेकंड पॉइंट ये है कि रिसर्च की मानी जाए तो 25% जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो एसी यूज करती है अपने घरों में, एसी पर्सनल एसी लगे होते हैं। एसी वो यूज करते हैं गर्मी को, मतलब गर्मी का जो है वो टेम्परेरी इलाज है एसी। और जो एसी से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जैसे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे इंसानी शरीर को नुकसान तो है लेकिन जानवरों को भी उससे नुकसान है। एसी की जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एयर में मिक्स होके वो हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रही हैं, श्रिंक कर रही हैं उनको। आपको ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस तो पता ही होगी जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। एसी को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। इंडिया में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल जलाकर पैदा की जाती है। कोल से हीट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाती है लेकिन उससे जो धुआं निकलता है उससे भी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और हमारे एयर में मिक्स हो जाती है। उससे भी मतलब कि गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है, मतलब कम नहीं होती है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारा ओजोन लेयर जो है वो एक दिन मतलब टूट जाएगा। और इसी से रिलेटेड जो है हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है बढ़ते नंबर ऑफ व्हीकल्स की। जितनी ज्यादा मतलब कि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं आज के जमाने में तो उससे पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। और इन्हीं गाड़ियों के लिए हम मतलब जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि पहाड़ हैं, जंगल हैं, इनको काट काट के हम सड़कें बना रहे हैं। मतलब कि आपने देखा होगा आजकल मतलब 6 लेन 8 लेन इवन की 12 लेन वाली भी मतलब सड़कें अभी बन रही है फ्लाईओवर्स बन रही हैं इन्हीं गाड़ियों के लिए। मतलब सरकार कहती है कि जो पिछड़े हैं जैसे कि पहाड़ों में रहते हैं लोग, जो दूर दराज में लोग रहते हैं उनको शहरों से जोड़ने का एक ये जरिया है कि हम सड़कें बनाए। और उनकी वजह से जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे तालाब जो पहले सड़कों के किनारे हुआ करते थे आजकल वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। और उसके चक्कर में बहुत सारे मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है। आप भी बताइए मतलब जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से मतलब जैसे पेड़ ज्यादा होते हैं तो कहते हैं कि बारिश भी होती है ऑक्सीजन की वजह से, है ना। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो मतलब बारिश भी नहीं होगी, टेम्परेचर मतलब कि हाई होता जाएगा। और मेन पॉइंट जो है इसका वो है हमारा फोर्थ, पेड़ों की बात कर रही थी तो मुझे याद आ गया जैसे कि पेड़ है, पेड़ों को ज्यादा मात्रा में काटना। अगर आप इसको मतलब ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ है, हसदोई में एक केस हुआ है जिसमें मतलब माइनिंग करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब एक ही बार में जंगल के बहुत सारे पेड़ लाखों के तादाद में पेड़ काटे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है और इन्वायरमेंटल सिस्टम वो डिस्टर्ब हो रहा है। इतने सारे पेड़ एक ही साथ कट गए हैं तो CO2 जाएगा कहाँ, वो धरती पर ही रहेगा। हाँ वो धरती पर रहेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए पेड़ भी नहीं है जो ऑक्सीजन से मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे, जिससे हमारा जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल लेवल था वो मतलब बैलेंस रहता था। अब मतलब जब वही नहीं रहेंगे, पेड़ ही काट दिया जाएगा, ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो फिर मतलब गर्मी को कैसे हम ठीक करेंगे, सही वो तो बढ़ती जाएगी ना। और आने अभी तो हमें ऐसा मुश्किल लग रहा है कि इसको कंट्रोल कैसे करें, आने वाले टाइम पे अभी हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो नामुमकिन हो जाएगा इस गर्मी को। हाँ इम्पॉसिबल फैक्टर बन जाएगा ये, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन है मगर मेरे ख्याल से गर्मी का सलूशन ना अभी तक बना है और ना ही इसका कोई सलूशन हो सकता है। अगर हम एसी को यूज करते हैं तो उसमें गैसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल है, पेड़ों को नहीं बचाते हैं तो हमारा हाल ऐसे ही बुरा है, गाड़ियों को तो रोक नहीं सकते। जैसे कि आपने ये सारे फैक्टर बताए हैं, बहुत अच्छे फैक्टर हैं, बट जैसे आपने कहा कि इनको रोकना बड़ा ही मुश्किल है, सो क्या इनको अलग ढंग से किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर हमें कॉपी करना ही है तो सिंगापुर को करना चाहिए, जैसे वो जिस तरह से बिल्डिंग बना रहे हैं, नेचर को अपने साथ लेके चल रहे हैं, उसी तरह से हमें भी बिल्डिंग बनानी चाहिए। और उनकी बस सर्विस जो है वो बहुत अच्छी है,
जिसकी वजह से वहां पे लोग जो है वो बहुत ही रेयर केसेस में अपना पर्सनल जो व्हीकल है वो यूज करते हैं, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। तो उसी तरह से हम भी अपनी बस सर्विस को अपडेट कर सकते हैं। बस सर्विस को अपडेट करने का मतलब ये है कि जैसी सुविधाएं वहां पे दी जाती हैं वैसे ही सेम टू सेम हम यहाँ पे दें। बसेस जो है वो उसमें एसी होनी चाहिए, सीट्स जो है वो 40-60 सीट्स होनी चाहिए, और मतलब किराया जो है वो आम आदमी के हिसाब से होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि मतलब हम इतने किराए में यहाँ तक जा रहे हैं, इतनी दूर ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी इतनी भीड़ में, तो उससे अच्छा है हम अपना पर्सनल कार यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना। अगर अगर सरकार ऐसा करती है तो जो पर्सनल कार्स जो यूज करते हैं वो कम हो जाएगा, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे सिंगापुर में उन्होंने टैक्स लगाया है, वैसे ही यहाँ पे मतलब जो टैक्सेस हैं वो ले रहे हैं हम जीएसटी में, तो उससे 3-4 गुना दिया जाए। अच्छा, जितना आज दे रहे हो उससे 3-4 गुना। जी हाँ। ताकि वो खुद ब खुद समझ जाए कि हम टैक्स पे नहीं कर सकते, है ना। तो ये हम मतलब गाड़ियां लेना ही बंद कर देते हैं, हम पब्लिक सर्विस से ही चलते हैं, पब्लिक जो सर्विस बस सर्विस है उससे चलते हैं। क्योंकि मतलब यहाँ पे ऐसा चलन है कि जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके पास 2 गाड़ियां होती है, जो 5 लाख कमा रहा है उसके पास 3 होती है, और जो उससे ज्यादा कमा रहा है उसके पास ज्यादा होती है। यहाँ पे मतलब शो ऑफ का चलन चल रहा है। शो ऑफ, हाँ। उसके चक्कर में वो भूल गए हैं कि एनवायरमेंट जो है वो कैसे इफेक्ट हो रही है। इतनी गाड़ियां लेंगे तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, तो इसको कम करने के लिए सरकार जो है वो टैक्स लगा सकती है। अगर ये सब अप्लाई हो जाता है तो धीरे धीरे जो है गाड़ियां कम हो जाएंगी, हाईवे की नीड्स जो है वो नहीं रहेंगी, पेड़ कटना कम हो जाएगा, तालाब नहीं सूखेंगे, और जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाईवे क्रिएट करने पे पैसा लगा रही थी वो सारा पैसा वो एजुकेशन सेक्टर पे लगा सकती है, जिससे कि जो हमारा आने वाला यूथ है उनको पहले से ही ये अवेयरनेस रहे कि हमें अपने इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास के सराउंडिंग को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं। जी, और जितना ज्यादा हम इसको मतलब आगे लेके चलेंगे धीरे धीरे जो है वो पोल्यूशन खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। मैम, लास्ट एक सवाल मेरा रहेगा। जी, जैसे कि आपने कहा कि ये सब अप्लाई हो जाए तब, ये काफी फ्यूचर की बात है। जी जी, क्योंकि क्या पता हमारी वीडियो इतनी दूर पहुंचे ना पहुंचे, मगर टेम्पररी में कोई इलाज इसका हो सकता है क्या? हमारे शास्त्रों में लिखा गया है जब गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती थी तब वो विद्यार्थी को सिखाते थे कि अपने जीवन काल में 5 प्रकार के पेड़ जरूर लगा लें। वो 5 प्रकार के पेड़ हैं, आंवला, नीम, पीपल, आम, इमली। पीपल का महत्व आप सबको पता होगा, क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके 2 पत्ते निकलने तक पूरे उसके जीवन काल में जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑक्सीजन देता रहता है दिन रात। और आम एक ऐसा पेड़ है जो जितना एसी हम 10,000 घंटे चलाते हैं और उससे जितनी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उतना एक आम का पेड़ अपनी लाइफ टाइम में वो गैसेस अब्सॉर्ब कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आम का कितना महत्व हो सकता है। और रही बात नीम, आंवला और इमली की, ये शास्त्रों में भी इनका महत्व बताया गया है और ये अमृत के समान है। जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, जितने ज्यादा पेड़ की संख्या ज्यादा होती जाएगी उतना ही पोल्यूशन कम और गर्मी भी कंट्रोल में आती जाएगी। काफी यूनिक सी बात आपने बताई है हमें। जी, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें मतलब हमारा बुरा हाल हो सकता है। अभी हम मुश्किल की बात कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम पे हम नामुमकिन की बात करेंगे। आने वाला जो महीना है मई का उसकी गर्मी तो हमसे झेली नहीं जाएगी। तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले 5 साल में जो मई आएगी उसकी गर्मी हम कैसे झेलेंगे। तो इसीलिए हमें मतलब इन सब चीजों को लेके चलना चाहिए, नेचर के साथ चलना चाहिए। नेचर बैलेंस रहेगा तब
तब हमारी गर्मी खुद ब खुद कंट्रोल आ जाएगी। दोस्तों बहुत सारी बातें आज हमें न्यू पता चली, बहुत सारी इम्पोर्टेंस आज हमें न्यू पता चली। ऐसी बातें मेरे ख्याल से अभी तक हमें किसी ने ना बताई थी और ना ही की गई हैं। सो, जैसे कि मैम ने कहा, ये एक चेतावनी है हमारे लिए, हमें इसका इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। अगर हमने ऐसे ही चलते रहने दिया तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, और गर्मी एक ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल अभी तक निकला नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सेलिब्रिटी या किसी ज्ञान वाले व्यक्ति ने ऐसी बातें हमें बताई होंगी। तो दोस्तों इसमें, इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं किए गए, उनके आंसर भी दिए गए हैं। सो, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इस गर्मी कम से कम 100 पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर आप लोग ऐसा चेंज करना चाहते हैं कुछ, आप लोगों को लगता है कि मुझे खुद से रिलेट नहीं करना, मुझे इंडिया से रिलेट करना है, तो अपनी एक कसम आपने ज़रूर खानी है, इस गर्मी में कम से कम 100 पेड़ आप लगाएं। देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप लोगों के पास, किसी के भी पास इतने कम पैसे नहीं होते हैं कि आप लोग 100 पेड़ ना लगा सकें। एक पेड़ की कीमत अगर 100 रुपये है तो 100 पेड़ की कीमत 10,000 रुपये। अगर आप एक साल में 10,000 रुपये हमारी इन्वायरमेंट को देंगे तो ये 10,000 आपको 10 साल जिंदगी दे सकते हैं। सही है मैम? जी। सो इस पॉडकास्ट का यहीं पे अंत करूँगा। आप लोगों को मैं सही सलाह दे सकता हूँ, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, भारत के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, अपने दोस्तों को, किसी अच्छे व्यक्ति को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले एपिसोड में।